सर कुपवारा मैडम आयुषी जी, हमारे जो काउंसिल के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन साहब, एडीडीसी साहब, बाकी अफसरान जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ का आवाम जो यहाँ है, सबसे पहले तो मैं कुपवारा के सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ वक्त गुजारा बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा। आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहा, आज तब से काफी साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में मोर देन अ डेकेड, 2012 में मैं यहाँ था, और आप में से जो लोग यहाँ हैं उनसे मैं काफी वाकिफ हूँ। उसके अलावा जैसा डीसी साहब ने फरमाया कि इट इज ऑल्सो एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो एज द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी मैं यहाँ का प्रभारी ऑफिसर भी रहा, और मुझे आज बहुत खुशी हुई जब मुझे कहा गया कि जो कुपवारा में एक हमारी आज यहाँ पे गैदरिंग है, पब्लिक डिमांड्स हैं, ग्रीवेंसेज हैं, वो सुनने मैं जाऊं, क्योंकि मुझे उसमें ऐसा लगा कि आई हैड अ स्पेशल कनेक्ट विद द पीपल, और मैं आपके साथ शायद जो बात करूं शायद उससे ज्यादा समझ भी सकूं, आपके साथ पहचान भी है, और आज आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ हैं। सरकार की ये कोशिश है, आप सब जानते हैं, ऑनरेबल एलजी साहब ने ये डायरेक्शन दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाए, पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुने, जो लोगों के मुश्किलात हैं, लोगों के डिफिकल्टीज हैं, वो सुने। और इसी सिलसिले में मैं कई डिस्ट्रिक्ट में गया, और उससे पहले भी जैसा डिस्ट्रिक्ट साहब ने फरमाया, हमारे इससे पहले दो कमिश्नर्स जो हैं वो ऑलरेडी कुपवारा विजिट कर चुके हैं, और भी सीनियर ऑफिसर्स विजिट करेंगे। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अफसर जो है, वो आपके डोरस्टेप पे आए और आपकी जो मुश्किलात हैं उनको देखें, उनको समझें और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि वो जमाना जो पुराना जमाना था, जिस वक्त आप लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अफसरों के पीछे पीछे चलना पड़ता था, दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन आपके डोर स्टेप पे है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके लिए अवेलेबल है, और एट द हाईएस्ट लेवल। मैंने अभी पिछले दिनों एक महीने पहले शायद या डेढ़ महीने पहले शायद ऑनरेबल एलजी साहब खुद आए और उन्होंने यहाँ पे रात को ठहरे भी कुपवारा में आके, और लोगों से मिले और लोगों के प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की। अलग अलग लेवल के ऑफिसर, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हों, कमिश्नर सेक्रेटरीज हों, सेक्रेटरीज हों, हेडों के डिपार्टमेंट्स हों, या उसके अलावा जो एक सिलसिला चला बैक टू द विलेज का, या हमारे जो ब्लॉक दिवस होते हैं उसका सिलसिला चल रहा है, सबका मकसद क्या है? इसका एक ही मकसद है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके डोरस्टेप पे पहुंचे, आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझें और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अभी मुझे बहुत खुशी हुई सुन के, जो हमारे यहाँ एक यंग फ्रेंड ने बोला कि शायद जो एंडेवर सरकार का रहा है किसी हद तक कामयाब रहा है कि इन्होंने अभी डिजी दोस्त की बात की। मैं कई डिस्ट्रिक्ट में गया, अभी मैं कुलगाम गया था, उससे पहले शुपियन गया था, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मैंने ऐसे ही जो ग्रीवियंस जो है वहां पे लोगों की सुनी, और कहीं मैंने डीजी दोस्त की बात हर जगह की, क्योंकि सरकार ने कोशिश ये की है कि ट्रांसपेरेंसी आए। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके व्यूज क्या है रिगार्डिंग करप्शन, करप्शन को दूर करना है तो हम सबने साथ मिलकर इसको दूर करना है। करप्शन दूर करना सिर्फ सरकार ऑन इट्स ओन नहीं कर सकती, लेकिन सरकार की कोशिश ये रही है कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाए। 1000 से ज्यादा ऐसी सर्विसेज हैं जिनको ऑनलाइन किया गया है, मोर देन 1000। इसका मकसद क्या है कि आप घर बैठे बैठे, कि कोई आपने चाहे किसी रेवेन्यू पेपर के लिए अप्लाई करना है, आप घर बैठे बैठे अप्लाई करेंगे, चाहे आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई आपका काम है, आपको चाहे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपको परमिट के लिए अप्लाई करना है, या किसी और डिपार्टमेंट के साथ आपने करना है, तो आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं। सरकार के जितने काम हो रहे हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में हो रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो रहे हैं, या बड़े डिपार्टमेंट्स पे हो रहे हैं, वो सारे काम जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो आप रियल टाइम में देख सकते हैं कहां किस वक्त कौन सा काम सैंक्शन हुआ, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसका टेंडर कब हुआ, किसको वो टेंडर मिला, और उसके बाद वो काम कहां पहुंचा और कितना पैसा उसमें रिलीज हुआ। मुझे यह मालूम है क्योंकि मैं डिप्टी कमिश्नर रह चुका हूं कि यहाँ पहले उन दिनों भी, मेरे से पहले भी यहाँ
कितने ज्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, क्योंकि रूरल एरिया है, दूर दराज का एरिया है, जहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मैं आप डिपार्टमेंट्स का नाम नहीं लेना चाहता, काफी पैसा खर्च हुआ था, लेकिन कभी ऐसा भी पता चला कि ऑन ग्राउंड जो चीजें हैं वो कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन आज ये सारी चीजें जो है ये आपके सामने है, ऑनलाइन है, ओपन है, पब्लिक डोमेन में है, आप इसको देख सकते हैं। ये सरकार की तरफ से पहल है टू रिमूव करप्शन, टू मेक पीपल आंसरेबल, टू मेक ऑफिसर्स आंसरेबल। आज मैं यहां क्यों हूं, यहां हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहां क्यों हैं, क्योंकि आज जवाबदेही है, हम सब आपके लिए यहां हैं। मुझे याद है कि जिस वक्त यहां इसी टाउन हॉल में मैं बैठा था, जिस वक्त मैं यहां डिप्टी कमिश्नर था 2012 में, और हमारे यहां सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर साहिबा थी, वो यहां आई तो मैंने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को बुलाया और उनसे पूछा, मैंने कहा अभी मिनिस्टर साहिबा आ रही हैं, आप मुझे बताइए ये जो यहाँ पे स्कीम्स हैं जो हम यहाँ बेनिफिशरीज को देते हैं, चाहे वो डेस्टिट्यूट हो, चाहे वो एजुकेशन में स्कॉलरशिप दे, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है या बाकी चीजें हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का उसका साल का बजट क्या है, सरकार लोगों को कितना पैसा जो है कितनी मदद करती है। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि उस वक्त का बजट जो था वो 20 करोड़ था पर ईयर, एंड आई वॉज सरप्राइज इवन बींग डिप्टी कमिश्नर, क्या 20 करोड़ रुपए सरकार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में लोगों को मदद करने के लिए एक किस्म की ग्रांट देती है। और आज अगर आप देखें और आज अगर हम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से बात करें तो आपको पता चलेगा कि 20 करोड़ नहीं, आज इट मस्ट हैव क्रॉस्ड मोर देन 100 करोड़। लेकिन परेशानी यह है कि एक डिस्टेंस रहती है लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, और लोग फिर भी ये सोचते हैं शायद सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं, जो सारी सरकार यहां बैठी है आपके लिए बैठी है, हम आपके लिए बैठे हैं। वी आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, वी वर्क फॉर यू एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर इश्यूज। और हमारे ऑफिसर साहबान जो है उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों के जितने इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व करें। लेकिन जैसा इन्होंने फरमाया, करप्शन की बात की और हमने राइट्स की बात करते हैं, इन्होंने ये भी सुना होगा क्योंकि इन्होंने बाहर की कंट्रीज का भी एग्जांपल दिया कि जहां पे हम राइट्स की बात करते हैं वी आल्सो हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें एज ए कम्युनिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी समझनी चाहिए। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने एक बार एक कैंपेन चली, टाइम्स ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें कैंपेन चली, कहा हम इतना अवार्ड देंगे कि अगर कोई एक इंसान ऐसा एक स्लोगन या ऐसी चीज पे फोकस करे जो बहुत सबसे जिसको अवार्ड मिले। और उन्होंने एक किसी ने सिलेक्ट किया कंट्री में, कहा क्या चीज है जिसको अवार्ड मिला, उन्होंने कहा कि वी शुड टॉक ऑफ द मैन इन द मिरर, हु इज द मैन इन द मिरर, उसको फर्स्ट प्राइज मिला था। द मैन इन द मिरर इज हू, आप जब शीशे में देखते हैं आप किसकी तस्वीर देखते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं। सोसाइटी जो है, सोसाइटल प्रॉब्लम जो है, दे आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, दे आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ मी, दे आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो हाउ डू वी ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, हर एक इंसान वो चेंज अगर लाना चाहता है, हम यहां से करप्शन दूर करना चाहते हैं, यहां के प्रॉब्लम्स दूर करना चाहते हैं, तो हमने वो चेंज अपने आप से शुरुआत करनी। आई एम द चेंज, आई हैव टू ब्रिंग दैट चेंज, ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे उम्मीद है कि जो एक पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की इस वक्त पहल हुई है, एक पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में हम कहते हैं कि वी शुड वर्क विद द पीपल, वी शुड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड द पीपल शुड ऑल्सो ट्राई एंड सी कि क्या चीज पॉसिबल है, हम उस तरीके से काम करें ताकि हमारे सारे इशू रिजॉल्व हो। अभी इन्होंने एजुकेशन की बात की, अगर हमें कहीं पे भी सोसाइटी में कोई बुराई नजर आती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से है कि शायद हम अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे सकते, हम उनको वैल्यू एजुकेशन नहीं दे पाते, हमारे स्कूल्स उनको वैल्यू एजुकेशन नहीं दे रहे, हमारे जो माँ बाप है, हमारे जो घर वाले हैं, शायद वो वैल्यूज इनकलकेट नहीं कर सकते। हमें कोशिश करनी है दैट वी विल डू दैट, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये बात छोड़ी या छेड़ी तो इस वजह से आई एम टॉकिंग अबाउट इट, आई हैव नॉट कम हियर टू गिव यू अ लेक्चर। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि आपकी जो डिफिकल्टीज है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डीसी साहिबा यहाँ पे हैं या जगह जगह जाती रही हैं, इनके अभी दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले हैं, जो मुझे अभी भी फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि कुपवाड़ा के साथ मेरी बहुत पुरानी कनेक्शन है और ये कनेक्शन ना अभी तक टूटी ना आगे टूटेगी। आई विल कंटिन्यू टू बी विद कुपवाड़ा, आप लोगों के साथ अभी भी यहाँ पे कई लोग
मेरे पास आते रहते हैं, मुझे काफी फीडबैक मिलते रहता है। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, अभी दो चार चीजें हमने सुनी, इनमें से कुछ ऐसी डिफिकल्टीज होती हैं विच कैन बी रिजॉल्व एट द हायर लेवल, जिसमें कुछ पॉलिसी डिसीजंस की जरूरत पड़ती है। जैसे इन्होंने अभी बात की कि हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए या हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या कोई, दीज आर पॉलिसी डिसीजंस दैट हैव टू बी टेकन एट अ सर्टेन लेवल, लेकिन देयर आर मेनी इश्यूज विच कैन बी रिजॉल्व एट द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कि जो भी प्रॉब्लम्स लोगों के हैं जिसके लिए हम यहाँ पे पोस्टेड हैं, कई ऐसे ऑफिसर्स अलग अलग इलाकों से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, यहाँ सर्व करने के लिए आए हैं कि वो लोगों के वो प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करें, जो बहुत चीजें पेंडिंग रही हैं दफ्तरों में वो रिजॉल्व करने की कोशिश करें और आप लोग उनका साथ दें। अगर कहीं कोई पैसे मांग रहा है, कहीं कोई करप्ट है, तो सिर्फ वो इंसान जो पैसे ले रहा है वो करप्ट नहीं है, देने वाला भी करप्ट है। अगर कहीं ऐसे इंस्टेंसेस हैं वो आप नोटिस में लाइए, डीसी साहिबा की नोटिस में लाइए, किसी दफ्तर में अगर कोई सही से काम नहीं हो रहा है वो उनकी नोटिस में लाइए। कई ऐसी सरकार की स्कीम्स हैं, अभी आपने देखा कि विकसित यात्रा जो अभी हुई, कई लोगों ने कहा विकसित यात्रा, पीपल थिंक दैट ये सिर्फ एक लफ्ज है, सिर्फ एक वर्ड है जिसको हम समझ नहीं पाए, एक और यात्रा है। मकसद क्या है इस यात्रा का कि सरकार की जितनी स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंचे हैं। आपको मालूम हो अभी इन्होंने बात की गोल्डन कार्ड की, कोशिश ये रही कि 100% गोल्डन कार्ड में सेचुरेशन हो। अंग्रेजी में लोग सोचते हैं, ये कहते हैं 100% सेचुरेशन हो, इसका मतलब क्या है? क्या हमारे लिए सेचुरेशन हो, सरकार के लिए सेचुरेशन हो? इसका मतलब यह है कि जितने हमारे यहाँ लोग यहाँ बेनिफिशरीज बैठे हैं, हर एक इसका फायदा उठाए, हर एक के पास गोल्डन कार्ड हो, ताकि कल अगर कोई गरीब आदमी का कोई बीमार हो, किसी को इलाज की जरूरत पड़े, उसके लिए उसके पास इंश्योरेंस हो और 5 लाख रुपए तक को उसको कोई पैसा खर्च ना करना पड़े। कोई अगर और कोई है स्कीम, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री में है, चाहे वो शीप हस्बेंड्री में है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में है, वो स्कीम का फायदा लोगों तक पहुंचे। हमारे यंगस्टर्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको ये पता चले कि अगर वो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, खुद कुछ छोटा काम करना चाहते हैं, क्या वो अवेल कर सकते हैं, कैसे उनको बेनिफिट मिल सकता है, कैसे उनको लोन मिल सकता है, कैसे उनको सब्सिडी मिल सकती है, कैसे उनको फायदा मिल सकता है। कई बार इन द पास्ट मैंने ये देखा है कि जितने गवर्नमेंट की स्कीम पुराने जमाने में हुआ करती थी, तो कुछ ही ऐसे सरमाएदार थे जो इसका फायदा उठाते थे, पीपल हु न्यू द सिस्टम, पीपल हु कुड टेक एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। But today, why are we here? We are here, all the officers are here to bring these schemes to your doorstep, ताकि मेरे एक यंगस्टर को भी बैठे हुए समझ आए कि हाँ ये स्कीम है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये स्कीम का फायदा उठा सकता हूं। इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो आपके इश्यूज हैं अभी डीसी साहिबा ने भी वो सारे नोट किए हैं, जहां जहां बड़े डिपार्टमेंट्स के हैं, चाहे कई बार यहाँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का मुझे एक खास बात पता है कि वैकेंसीज की बहुत पोजीशन रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर तो बन गए कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, लेकिन नौकरी श्रीनगर में करना चाहते हैं या लंदन जाना चाहते हैं या अमरीका जाना चाहते हैं, लेकिन टंगार में नौकरी नहीं करेंगे जहां से आए हैं, या हमारे दूर दराज इलाकों को अपने लोगों को सर्व नहीं करेंगे, इस वजह से काफी डिफिकल्टीज रहती है, पोजिशन जो है दूर दराज का इलाका है फिर नहीं होती। ये सारे डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं जो सरकार की कोशिश है हम रिजॉल्व करें, जितनी रिसोर्सेज सरकार की है सरकार यूज कर रही है। मेरे उस वक्त में बिकॉज कुपवाड़ा वॉज अ वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट, शायद 105 करोड़ का यहाँ पे केपेक्स हुआ करता था, एंड आई एम श्योर दैट आई विश यू विल टेल मी व्हाट इज द केपेक्स नाउ, इट इज 1023 करोड़, सो यू कैन इमेजिन मोर देन 10 टाइम्स जो है केपेक्स यहाँ इंक्रीज हुआ है। जहां तक ऑफिसर्स का ताल्लुक है, अभी कुछ लोगों ने रोड की बात की, कहा कहीं रोड की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए, आई एक्सपेक्ट कि जो हमारे यहाँ इंजीनियर साहबान हैं वो इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। आई वॉन्टेड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द ऑफिसर्स ऑल्सो, बट टुडे क्योंकि आज जुमा है और ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए शायद उसका वक्त हमारे पास नहीं है, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि जो भी लोगों की डिमांड है हमें वो डिमांड आगे तक पहुंचानी है, जो आपकी आवाज है वो आवाज आपके तक पहुंचानी है, जो आपका ऑन ग्राउंड रिजॉल्व हो सकता है इशू वो रिजॉल्व हमने यहाँ पे करना है। चेयरमैन साहब ने भी कुछ इशू जो है वो यहाँ पे रेज किए, वाइस चेयर फारूक साहब ने भी यहाँ कुछ कहा, यहाँ इन्होंने गालीजू की बात की, स्टेडियम की बात की, मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी हम इस साल कुछ
कोशिश करें कि और कुछ फंडिंग हम उसके लिए रख सकें, या कोई रेवेन्यू मैटर्स थे दुर्गुला की जो आपने बात की। आप सब लोग जो हैं, किसी की भी कोई भी डिमांड हो, आप कभी भी अपने डिमांड रेज कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम और इश्यूज रेज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि सरकार ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं आप उसका फायदा उठाएं। मैंने इसीलिए सबसे पहले डीजी दोस्त का जिक्र किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई ऐसी स्कीम सरकार की हैं, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, लोगों तक पहुंचती नहीं है, पीपल डोंट नो हाउ टू यूज दीज ऑल दीज ऑनलाइन सर्विसेज। जी बताइए सारे जो हमसे अच्छा सवाल है हम तस्लीम करते हैं, लेकिन एक अर्ज है मुझे, हमें सड़क, हम सड़क ढूंढते हैं, हमें सड़क नहीं मिल रही है, 50% सड़क होगी है, 50% पेंडिंग रहेगी, कोई बात नहीं, आपका जिस एरिया में है। देसी मैडम से मैं अर्ज करता हूँ, देसी मैडम आप खुद यहाँ आए, पपाड़ा के शिकम में है और कहीं सड़क पर नहीं जाना। किस एरिया में, किस एरिया में? इधर ही है, पूछा सामने वहां वाला वार्ड नंबर से पूछ गया, हकीकत क्या है? कोई बात नहीं, वो उसका उसका दिखवाएंगे। ये किसकी किसकी सड़क है जिसका जिक्र कर रहे हैं? आरएमबी की है, 20 दफ्तर है जनाब सर, ऊपर 20 दफ्तर है। एक मिनट, आपने कह दिया आरएमबी के एक्सिन साहब है ना? एक्सिन साहब फरमाइए, आपको मालूम है कुछ, आर यू अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम? वो आप देख लीजिए लास्ट फॉर एक्सीडेंट, मतलब वी शुड बी अवेयर ऑफ द डिमांड्स ऑफ द पीपल, उनका वो देखिए, एंड इफ इट इज सैंक्शन व्हाई इज इट नॉट बीइंग डन, इफ इट इज नॉट बीइंग सैंक्शन ट्राई एंड सी हाउ इट कैन बी रिजॉल्व, किस तरीके से आप उसकी फंडिंग कर सकते हैं। मैडम से आप बात कीजिए, ठीक है ना, प्रोजेक्शन तो कीजिए ताकि इनका हो, कोई बात नहीं, देखते हैं। और किसी को कुछ कहना है? आप अभी बहुत कुछ कह चुके हैं, एक एक आप बताइए। जैसा कि आपने अभी कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हाईएस्ट लेवल पे रिजॉल्व करना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिन मुझे मुझे लग रहा है कि आप ही बता सकते हो सकती है, और एक चीज है, आप हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी बात उन तक पहुंचनी चाहिए। बस ये सारी चीजें नोट हो रही हैं आपको, सारे डिपार्टमेंट को। यहाँ पे हमारे एसबीए कुपवाड़ा में 2015 से जिसमें ऑटो है, जिसमें साइकेट्रिस्ट है, जिसमें ऑटोमोबाइल है, और एक सर यहाँ पे कंसल्टेंट एक हुआ करता था 2015-2018 में, वो अलॉन्ग विद पोस्ट ब्रेजिया में, और क्या हम जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, क्या हमें जरूरत नहीं है, क्या अस्पताल वाले की जरूरत नहीं? कोई बात नहीं, आपने बैठना है, आपकी डिमांड जो पहले भी आप हमेशा कंसर्न रहे हैं, मैं पहले भी सुन चुका हूँ रिगार्डिंग स्पेशली द हेल्थ सेक्टर, वो सीएमओ साहब को देख लीजिए, वी कैन रेज इट विद द जो वैकेंसी पोजीशन है, स्पेशली जो सैंक्शन फोर्स है उसमें आप देख लीजिए किस तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, वाटर पोजीशन वगैरह कर सकते हैं। टाउन में आईएवाई स्कीम, उसमें इस टाउन में उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन लास्ट शायद जब सेकंड वाला उनको नहीं मिल रहा है, आज छह वो मिल गया ना, मेरे ख्याल में शायद फंडिंग का कुछ डिले था, ये सारा कुछ हो गया, फंड मुझे लग रहा है आईएवाई द सेकंड इंस्टॉलमेंट किया था। कोई बात नहीं, आ जाता है, और किसी ने कुछ कहना है तो बोलिए, मैं इसीलिए यहाँ आया ताकि मैं सबकी आवाज सुनूं और आप सबकी बात सुनूं। आप बताइए जी, नहीं देखिए, यूथ हॉस्टल जो है कुपवाड़ा, कई बार ऐसा लगता है, कहते हैं कि जब हम कोई शू पहनते हैं, इफ इट इज पिंचिंग मी आई नो दैट द शू इज पिंचिंग, बट देयर आर मेनी अदर पीपल जिनका ये शू पिंच कर रहा हो। कुपवाड़ा में खाली यूथ हॉस्टल नहीं है, कश्मीर वैली में देयर इज ओनली वन इन श्रीनगर, जम्मू में देयर इज वन इन जम्मू, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। हमारी कोशिश है यूथ हॉस्टल, दिस इज वन ऑफ आवर प्रायोरिटीज, जो ही हमारे पास कोई एक फंडिंग विंडो जो है वो खुलेगी, इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे। हमारे कुछ यहाँ सिंथेटिक जो है वो छोटे छोटे कोर्स वगैरह जो है वो बने हैं, आगे इंशाल्लाह होगी। फिर मैं याद कर वो रहने दीजिए, वो कोर्ट में जो केस है वो ठीक है, उसको उसकी जो पॉलिसी थी लाइब्रेरी के लिए पॉलिसी सबसे समथिंग ऑफिशियल मैटर, और कोई किसी ने कुछ कहना है?
बताइए, अगर किसी ने कुछ कहना है आखिरी आप बोलिए, अदरवाइज हम फिर आगे चलेंगे। एनीवे आई थिंक आप बोल चुके पहले ही। आपका शुक्रिया। आपको पता ये घर को बोलिए, एक घर का देखिए, मुझे आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है काकू जिला में कई डिस्ट्रिक्ट में गया और बहुत सारी डिमांड है, खासकर लोगों की पीएचई की डिमांड होती है, रोड की डिमांड होती है, लेकिन मुझे खुशी है देख के कि यहाँ आई कैन सी देयर इज अ जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और बहुत ज्यादा आपके मसले नहीं है तो रिजॉल्व हो सकता है। इंशाल्लाह हमारी वेरी वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू हैव अ वेरी वाइब्रेंट यंग डिप्टी कमिश्नर हु इज अ लेडी एंड आई एम श्योर शी कैन अंडरस्टैंड पीपल्स ऑफ द प्रॉब्लम इवन बेटर देन मी एंड शी इज हियर फॉर यू, शी इज अवेलेबल टू यू एंड जो इनके साथ जो टीम भी है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी कोशिश कीजिए कि हम जो आवाम आई थिंक आई शुड थैंक ऑल ऑफ यू जो आप सारे यहाँ बोल रहे हैं and also the district administration, also the chairman, the vice chairman, in fact मेरे पास आते रहते हैं सेक्रेटेरिएट के चक्कर में कौन भी रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम लोगों के यहाँ को लेके वहाँ पे भी पहुँचते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी ग्रीवेंसेज हो तो आप बताइए। मैं एक आखिर पे मैडम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, डीसी मैम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आयुषी जी ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विशू में हेल्पलाइन नंबर्स, आई डोंट नो वेदर दोस हेल्पलाइन नंबर्स आर फंक्शनल और नॉट, बट वी नीड हेल्पलाइन नंबर्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, नॉट जस्ट इन द बिगर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि मुझे पता है कि जहां रोड का ताल्लुक है या पीएचई का वो होना चाहिए, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री वगैरह, ताकि कोई लोगों को अगर कोई डिफिकल्टी हो दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, अदरवाइज आवाज जो आवाम की है अफसर तक पहुंचने तक बहुत वक्त लग जाता है, तो वो हेल्पलाइन नंबर्स भी अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करें। एनीवे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज नमाज का वक्त है, आई डोंट थिंक दैट आई शुड बी होल्डिंग यू लॉन्गर, थैंक यू।